सोन अटैक कैसे? हे देवी, आप क्या सोच रही हैं? हे स्वामी, मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि को समझने में असमर्थ हूँ। कोई सुखी है तो कोई दुखी है, कोई अच्छा है तो कोई बुरा है, कोई अभागा है तो कोई भाग्यशाली है। हे देवी, ये सब कर्म फल के अधीन है। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल भोगता है। जो कर्म में विश्वास रखते हैं उनकी मैं सहायता ना भी करूं तो उनकी सहायता स्वयं हो जाती है, चाहे वो मुझ में विश्वास रखें या नहीं। जो कर्महीन लोग हैं मैं उनकी सहायता करना भी चाहूं तो नहीं कर सकता। देवी, स्वामी, मैं तो ये भेद समझने में असमर्थ हूं। हे देवी, इस भेद को समझने का सरल उपाय
मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं पृथ्वी लोक पर दो ऐसे परिवारों से मिलवाता हूँ जिनकी कर्म करने की शैली और कर्म अलग अलग है और उनका कर्म फल भी अलग अलग है। आओ इन्हें देखें। धाम नहीं है कोई रे कैलाश धाम सा, धाम नहीं है कोई रे कैलाश धाम सा, सत्यम ना कोई सुंदरम शिव तेरे नाम सा, सत्यम ना कोई सुंदरम शिव तेरे नाम सा, धाम नहीं है कोई रे कैलाश धाम सा, धाम नहीं है कोई रे कैलाश धाम सा। अरे शंकर कहाँ है, सोई रहा के बोलो। पिताजी चाय पी लो। बस खुश रहे बेटा। पिताजी वे तो पता ना कहाँ है, सारी रात से घर ही ना आए। सारी रात तक घर ना है, कुछ तो बता के गया होगा। पिताजी बस मुझसे तो ये कह रहे थे कि थोड़ी देर में आ जाऊंगा। भाई इसने तो जुलम ही कर रखा, सारी रात होगी पता नहीं कहाँ अंडे है। यह बहू अकेली है घर में, इसे कोई चिंता ही ना। चिंता कैसे ना है, चिंता के मारे तो मैं पिताजी तावड़ करके आया हूँ। अरे हमें पता तेरी चिंता का, सारी रात तो ही बाहर तो घरू नु कह के ना जा सकता तू अकमे रात को नाने का। मैं कोई वहां रात को रुकने के लिए थोड़ी गया था, ताऊ राम फल की भैंस प्यारी थी और हम पूरी रात बाट देखते रहे कब ब्यावे अब ब्यावे अब ब्यावे, ब्या ही ना तड़किलो हुआ। अरे यार जिम्मेदारी भी तेरी थी के, भैंस तो सारे गांव की ब्यावेगी, के करके रहेगा तू। पिताजी जब हमारी भैंस ब्याई तो ताई खीस बाटन गई थी ना, गई थी बताओ तमी हैं। मैं तो इस बात की मारी चला गया था ताऊ अकेला होगा। ताऊ की तो इतनी चिंता होगी तुझे, और यह बहू अकेली है घर में, इसकी कोई चिंता नहीं। हाँ पिताजी यह बात तो तुमने सही कही, या तो मेरे ध्यान ही न रही। हाँ यह बात तो मेरे ध्यान ही न रही, तेरे बात को ध्यान भी रहे। मुंह बच गया, आचा आचा का ड्रामा जल्दी शुरू हो गया। दिखे बाहर निकल, मैं देखूंगा तुझे। आचा तू मैं सिखाऊंगा तुझे, तू बाहर निकल के पढ़। बारो पिताजी मैं सिखाऊंगा तुझे। हाँ तू सिखाओगा, कैसे सिखाओगा तू? हाँ चाहे मैं भी हेरा फेरी, तू बाहर निकल के देख, मैं जूती दूंगा तेरे। अच्छा तू जूती मार के दिखा एक बार, मैं नहीं मार दूंगी। मैं सर फोड़ दूंगा तेरे। माँ बता तुझे सिर कैसे भटक रहे हैं। ओ चिड़िया तू ज्यादा ना बोल, मारो पिताजी। चिड़िया तू चुप रहा रही, तेरे भी लगेंगे। माती बेटा फिर मैं पहले तेरे मैं बताऊंगी तुझे, बुढ़ा लोग बालकों के पीछे पड़ा रहे।
अरे क्यों पागल हो रहे तड़की तड़क? अरे ओ कुतुब मीनार, रहने दे तू, पागल तो अपने आप ही होंगे। एक कप चाय की जरूरत 200 रुपए अभी ना मिलती टाइम पे। आप पिज्जा तो मोल भर के, अरे इसे दे दे, यू जागा खेत में। हाँ एक मिनट भी सांस ना लेता, कल को चला जा, दे तो रही थी गाल के। दे रही थी? अरे कुछ तो शर्म करो, तुम तड़की तड़क यू सांग जोड़ का खड़े हो जाओ, दुनिया राम का ना ले। जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी। पंडित जी जय राधे राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के मालिक हैं, चारों धाम के मालिक हैं। भगत बड़ा दान करो, बड़ा पुण्य मिलेगा, बड़ा दान करो। श्री कृष्ण को प्रसन्न कर दिया, राधा को नाराज करोगे? राधा की पूजा करो, राधा का पूजन करो, कल्याण हो। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। और यू ही काम तो है हमारा। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान, सूरज को गरल करने की ताकत रखने वाले वीर हनुमान तुम्हारा सुमूर्त कर रहे हैं बच्चा। महादान करो, महादान, महाप्रतापी बनो, महाकल्याण होगा, महादान, महादान। हाँ बच्चा, हनुमान थे पहले राम, सारे बन जा बिगड़े काम। राम को क्यों भूल रहा, राम पे भी काट दुहा दिया जेब में हाथ कटेगा। आओ बैठो। बाबा मैं तो बड़ी आस लेकर आई हूँ। अच्छा, और आज पूरी कर दूंगा, यू ही काम तो है हमारा। मेरे भतीजे की शादी ना होती। शादी नहीं होती और शादी भी करवा दूंगा, सोनी सी बहू भी आ जाएगी। पर खोल दे पहले जो कुछ पल्ले में बांध रही, और चढ़ा दे ले यू तागा, पीपल का बांध दिए, समझ में आ गया? हाँ। और ब्याह भी हो जाएगा। के बात है ताई, पीपल पे चढ़ेगी के? क्या बताऊं बेटा, भतीजे के ब्याह का तागा बांध रहे हो। ताई का तो झाड़ लिया दिखे पल्ला, तो ताई गेल की गेल एक तागा से बालागोन का बांध दे। पाखंडी लाल दुकान सही चल रही है, आज की तेक मूंड दिए। शंकर, मेरा नाम पाखंडी लाल ना पासंदी लाल है, और पूर्ण संस्कृत महाविद्यालय बनारस से शास्त्री पास हूँ, पुत्र देखू, और यू ही काम तो है हमारा। चाची पास हूँ, ये करवे भी मत लाया होगा, लिख लिख के धर रखे हैं। फिर लेस ले के तो करवा से ठहर गई। अरे रहने दे, पता नहीं किस किस की आय ले बैठा, इसकी ओर तो बुढ़ा मरो या जवान हत्या से इतनी काम। आओ चलो। अरे एक बोर्ड और लगा ले यहाँ, बिजली का बिल भी यहीं भरा जाता है। नहीं वो काम ना मारा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। अब अब्बा आदम अब मनु एक ही दबात थे, आजा आजा, कुछ पूछना हो तो। पंडित जी मैं तो अपनी बकरी ढूंढ रहा था। अच्छा, और कुछ ले रहा हो तो आजा, पत्रा देख दूंगा, और नहीं तो मैं यहाँ तेरी बकरी लाऊं। बच्चा ए, जा चला जा, 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 जा। ठीक तो हो बाबा? ठीक तो क्या हूँ बेटी, भूखे पेट चक्कर से आ गए। बाबा चलो बैठो, बाबा बैठो। बाबा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। लो बाबा खाना। जीती रहो बेटी। बाबा कुछ और खाने का मन हो तो बता देना। ना बेटी, जो है बहुत सुथरा है। अरे बाबा तुम्हें तो चोट लगी है, मैं दवाई लगा दूं? ना बेटी, यू तो अब रोज का ही काम हो गया है। क्या हो रहा भाई? कुछ ना, बाबा जी को खाना खिला रही थी। हाँ यू तो बढ़िया करा,
और चाहिए बाबा कुछ? ना बेटा ना। बेचारे उधर से आ रहे थे तो गिर पड़े, मैंने उठा दिया। कुछ पूछा तो बस खाने की कहने लगे। अरे तो बढ़िया करता ना, जा तू रोटी ला दे चल तू। और ना बेटा ना बस। तो पानी ले आ। जी अभी लाई। बाबा कहाँ रहे करे, पहले कभी तो ना देखा। बाबा लो पानी। अल्लाह तुझे सुखी रखे। रोज आ जाए कर, खा जाए कर रोटी। धन से भंडार भरे, अल्लाह जोड़ी बनाए रखे, तेरी जोड़ी बनाए रखे। अल्लाह 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 बाबा को तो खुआ दिया, हमें भी खुआ दे। अरे रे रे क्या कर रहे हो, खाना बिखर जाएगा। लो खाओ। आप मुझे हमेशा इसी तरह प्यार करोगे ना? नहीं करोगे? इससे भी ज्यादा। अरे यू पूरी गली में खंचा करा क्या? कदिन दाढ़ी से आप तो कर ले करो, यहाँ ठीक तो रहेगा कम से कम। क्या कर रहा था यू? कहता है कहनो कह रहा था सारी गली में खर्चा करो रखो रोज। खर्चा करे रखे, दिमाग खराब हो रहा। दो पैसे के आगे धरती में पाँव ना टिकते। अरे इनके बुड्ढे मर गए पक्का कर कर के। हाँ, 70 बार मदद करी 70 बार, पर शर्म होत है कुछ मन। बेशरम है, नुकरे है। सुते मानस को जीनिया दे रहा, ये तो आप ही बीमार रहे। सब दिन लड़ाई के नाम का है, पता ना मार तलावा से कोई मिलता ना के लड़ाई के नाम का। ये सब तेरे लाड दुख दे रहे। जब तक तू कह रही थी भला इनका नाच भी खा ला, खाने में दबी छुड़वा ला, पैसे भी दे दे हैं। और जब तक 6 दिन तू भी पड़ी रही डॉक्टर कहीं, अपने घर की भी ना सोची तो ना। अब इनकी ढाल मार पे हो के तुम भी ऐसे बनो, इन्हें कोई गांव में तो भूसता ना। और तू भी कम ना, जब तक आज बीज लाने हैं, आज बेचने भी करानी है, और बिजली का बिल भी तो तू ही भरकावे। 24 घंटे साथ रहता उनके, और तू ही मानना था प्रधान। उन्हें मेरे मुँह पर धरे ऐसे प्रधान,
तेरे मेरे पैदल लिए चार पैसे और चार ट्रिलोड़े के लगा लिए प्रधान ही बन बैठे सब परते ले बैठे सब परते। अरे थम जा सांस भी ले ले। अरे यार जुत्ती तले भी धर ले कर क्यों एटम बम आकाश में ही रहे। इतना अंगा तो खेत में लगा लेकर वहाँ 12 बीघे में बिताने ना। अरे ओ तेमे चले तू भी भूल गया। और जब हम उनके पैर सार के ठवाया करते पैर सार के डंगल ढोर गुमूत सब कुछ कर रखा सब कुछ। हाँ तो सबका कर रखा हमारा भी कर रखा। चल भीतर। हाँ तू आ गया आज अरना मारता मैं। हाँ हाँ चल भीतर बैठ। अरे ओ तुम पढ़ भी लिया करो और खेलते रहो वो बहु याद करे उसका धोरा भी होया करो। अरे तू रह नहीं दे। ये तो मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा कर फिर। अब क्या हुआ? हम तेरे पे करवाऊंगे के मजाक कर रहा था मैं। इतना लाड मत करो किसी ने देख लिया तो। देख लेने दे काम ही तो कर रहे हैं। कहाँ ध्यान है शंकर जी का है? मेरा नाम ले दिया तन्ने। तो क्या हुआ नाम लेने से के हुए? वैसे तो कोई नाम लेती ना वो तो पढ़ी लिखी का पूरा असर है तेरे पे हैं? चलो हम भी आज तक गोरी कह करेंगे। मैं तो इसी धोखे में था अब तक। देखो हमने आपका धोखा दूर कर दिया। अब मैं घर चलती हूँ। बोलो क्या बनाना है? अब यू ना कहियो 2 मिनट और रुक जा। ये काम करके घर आ जाना कहीं सारा दिन यहीं लगे रहो। घड़े का मेरे मत बनियो। सुन थोड़ी देर और रुक जा। बैठ जाऊं? हाँ पिताजी को खाना भी देना है। बेचारे। स्वामी देखिए कितनी सुंदर जोड़ी है। ठीक कहती हो देवी। ये भी तो आपके भक्त है ना स्वामी? ये दोनों ही हमारे भक्त हैं, लेकिन दोनों की भक्ति अलग अलग है। वो किस प्रकार से स्वामी? हे देवी इसकी स्त्री ज्ञान से हमारी भक्त है और इसका जो पति है वो कर्म से हमारा भक्त है। मैं आपकी बात समझ नहीं पाई स्वामी। आओ देवी हम आपको दिखाते हैं। स्वामी देवी किसान देख लेगा तो क्या हुआ? वो जाने नहीं देगा। आपको भी? आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, क्या वो आपको भी नहीं जाने देगा? हाँ देवी मैं यही तो देखना चाहती हूँ कि एक मामूली इंसान तीनों लोकों के स्वामी को कैसे रोकता है। ठीक है तो देख लीजिए। ओ महाराज अरे कहाँ पड़ रहा? बिल्कुल ही अंधा हो रहा है खेत में पड़ल लग रहा है देख नहीं रहा। मैं रोकन लग रहा हूँ तुम बड़े जा रहे हो मेरे यार महाराज जी कमाल कर दिया तन्ने। देख रही हो ना देवी। हे पुत्र पहचाना नहीं तीनों लोकों के स्वामी तुम्हारे सामने खड़े हैं। हे पुत्र जो चाहे वो मांग लो। मांग ले मैं? क्यों मांग ले मैं? भगवान की दी हुई मारे बतेरी मौज है। हे पुत्र तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो। स्वामी सभी प्राणियों के मन की बात जानते हैं। इस व्यक्ति से आपका वार्तालाप उचित नहीं देवी। मन की बात जाने? मेरे भी मन की बात जाने? हाँ पुत्र जानते हैं। हे देवी ये ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसका उत्तर देना असंभव होगा। अच्छा चलो ठीक है तुम न्यू बता दो मैं 2 घोड़े खींचूंगा कौन से मैं पैनी गाड़ दूंगा। मैं इसे जिस गोले में बताऊंगा ये उसके विपरीत ही दूसरे गोले में छड़ी गाड़ेगा। बताओ। बा मैं नहीं चाहूं तुम खेत से बाहर निकल जाओ थारे 2 जोड़ू में हाथ हैं? कमाल कर गया बाबा पता ही नहीं चला कहां को गया। ऐसा कर बेटा या एक रोटी पिल्ले को घेर।
अरे क्या कर रहे हो पिताजी, देख रहे हैं। मैं सारा दिन तो तुम्हारे पास ही रहती हूँ, तुम बिल्कुल नहीं शर्माते। पिताजी क्या कहेंगे, अब कैसे बाहर जाऊँ मैं? अरे मुझे क्या पता था पिताजी भी। अरे सुने है के पूरे कुआ एक बार। अब जाओ। हम मेहनत कर बेटा, आजा पोले रोटी। इसे तो इतना ही पता, ये तो पागल है, गाल दे इसकी भी। चलो हटो। अरे आजा मेरे दोरे खा ले बेटे, गाल दे इसकी रोटी। मुझे ठंड सी लग रही है। हाँ तुझे तो जेठ में भी ठंड लगे, तू कहने वाला जी रहा है भी। ये? कुछ ना। अरे क्या कर रहे हो पिताजी, देख रहे हैं। पहले उरे को मुंह कर ले एक बार। अरे तू कहां था आज बोलो? मैं तो खेत में ही था। ऐसा खेत में के लड्डू पाड़ रहा है बोलो तो? हाँ लड्डू तो याद आया, मैंने भाई की नहीं 5 किलो घी के बेसन के लड्डू बनवाए हैं। विजय के लिए लड्डू क्यों? दे के आऊंगा उसे। तो तू जाओगा वहाँ? 5 किलो घी है और 2 धड़ी गुड़ है, सब दे के आऊंगा उसे। मेरा भाई इतना बड़ा अफसर खा रहा होगा वहाँ रेली घी। अरे तू रहन दे उसे ना, जरूरत तेरी इन चीजों की। क्यों ना है, के मिले शहर में सारी चीज तो मिलावटी मिले। मारे होते हुए भाई मिलावटी चीज खाओगा कोई? वो खाओगा ये सब, उसकी तो खान की आदत छूट रही। क्या तू देख भी लिए? आई ना खावे, जब मैं देख आऊंगा देखियो एक भी ना छोड़ दे। अच्छा चल तू भी देख लिए, कब जाओगा? जब तुम कहो। अरे हाँ गौरी भी जाना चाह रही है। हाँ हाँ ये तो अच्छी बात है, ले जाए से अभी घूम आओगी 1-2 दिन। वैसे तुम्हें जाना तो चाहिए नहीं, उसने ब्याह कर लिया, हमें बताया तक नहीं। तो क्या हो गया, मेरा भाई बड़ा अफसर है और बड़े अफसरों के ब्याह ऐसे ही हुए, मारे जैसे गवार उसमें अच्छे भी ना लगते। ठीक है जाने दे, पहले पता कर लिए। बस यार मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी आज, मेरे बॉस ऑस्ट्रेलिया से आए हैं आज। हाँ बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ मैं थोड़ी देर बात करता हूँ। नमस्कार। नमस्ते सर, कैसा सफर रहा आपका? सक्सेसफुल। और सब ठीक है? सर कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए। अच्छा अच्छा छुट्टी चाहिए।
आके दूरियां दे मिटा, दूर जाके दिल को ना दे सजा, पास आके दूरियां दे मिटा। आजा मेरी बाहों में, आजा मेरी बाहों में, दुनिया को दे भुला। अभी जा, अभी जा, अभी जा, अभी जा, चैन मेरा लूट के ना, दूर मुझसे जा। अभी जा, अभी जा, अभी जा, अभी बनके आग तू ना लगा, आग ही तो प्यास देगी जगा। शोला बनके आग तू ना लगा, आग ही तो प्यास देगी जगा। खो जाए एक दूजे में, खो जाए बत्तियां दे बुझा। अभी जा, अभी जा, अभी जा, अभी जा, जा। अभी जा, अभी जा, अभी जा, अभी जा, चैन मेरा लूट के ना, दूर मुझसे जा। अभी जा, 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 अभी जा।
अचानक ये कैसा चक्कर आ गया। चाचा जी क्या हुआ? बेटा चक्कर सा आ गया। उठो चाचा जी मैं उठाती हूँ, उठो। चिड़ाओ या शंकर ये उनको बुलवा दे, तू रहने दे बेटे। चाचा जी यहाँ कोई नहीं है, आप उठो ना, उठो उठो मैं ले जाती हूँ। अरे कहाँ मर गए सब? उठो चाचा जी। अरे ये बात होगी बेटे? कुछ ना ताई जी, चाचा जी को चक्कर सा आ गया था। जा छोड़िए बेटे, वो भगवान तो बुलाए से भी नाम है। पूरे गांव में ऐसी बहू ना है जैसे शंकर के। चाची जी डॉक्टर को दिखा देना, चाचा जी को चक्कर सा आ गया था। तजे चक्कर जब ना आते होंगे जब आसमान में जूती ठा रखे है और इसे ही देख के लेटता होगा वो। सारा दिन तो तुम खेलते रहते हो, कभी पढ़ भी लिया करो। चाचा ट्यूशन ही ना लगवाता है। मैं पढ़ा दिया करूंगी, और तुम्हारे पेपर भी तो सिर पे आ रहे हैं ना, तुम मेरे पास आ जाया करो। ठीक आ जाएंगे। अरे कोई इलाज? मैं करूंगी तेरा इलाज। आए। सांड मरता है भी जूती धरे है, इस सिर को यहाँ धर पावे पे। मर गया। रोज रोज नहीं बहुत चाहता जे। अरे मर गया। उसे देख के ही लौटा होगा वहाँ। अरे है कोई छुटाने वाला? अरे तू मारेगी क्या? क्या कर रही तू? तू हट, इसका ब्याह करवा दे, इसे रोज रोज नहीं पहुँचा। अरे छोड़ हट, मार के छोड़ दे। यू मरे सांड, और वाह जिसे बढ़िया बतावे। दोनों गली में कोली भरो खड़े थे, बदनामी करवाओगे मारी। अरे छोड़ दे, अरनी मर जाएगा। मरण दे सब परे को, जब इसे चक्कर आ रहे तो मेरा भी ब्लड प्रेशर हो रहा, मैं भी ये लौटगी, और मैं भी जब उठूंगी जब कोई मुझे जवान से छोरा आके ठावेगा। अरे तेरा मौका सा हो तो एक सिर दर्द की गोली ला दे। ला दे से सल्फाज। अरे जा तू चला जा, या तो 24 घंटे रांड होने को तैयार खड़ी रहे। गोबर भरा इसके दिमाग में गोबर, इसे तो सफेद भी काला दिखे। अरे जा गोली लिया तू। गोली से इसका कुछ ना हो रहा, इसके तो झाड़ फूक कराना पड़ेगा। हेलो काली का जाप करो, धर धर राम, धर 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 चंड चंडा छा मुंडा काली, धर मुंडो की माला पहरे, जबे पान बजावे ताली, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। जय काली कलकत्ते खाली, जय काली कलकत्ते वाली करोड़ रेतम मसाने का जाप से करवा रहे लंबरदार, आ जाओ बैठ। मैंने सुना तेरे लोंडे की घनी तबीयत खराब है, उसी का तो इलाज करवा रहे। अच्छा ऐसा बांध जोड़ का यू इलाज हो रहा, यू पाखंडी तो से जानते ना मार देगा। सब ऊपरी से बता रहे लंबरदार, और पंडित जी भी ऊपरी बतावे है, और पंडित जी के पत्र में तो साफ ऊपरी आ रही। पंडित का पत्रा है अल्ट्रासाउंड है, तू मारी बात सुन, इसका बुखार बिगड़ रहा, तू इसे किसी डॉक्टर को दिखा ले, ना यू चंडाली से मार का मन नगा। रहो पाखंडी खोल दो उस बालक को, खस्सी में तो ऐसे सांस नहीं आ रहा, दुम्बे में मुंह और दे रखा। हट जाए चौधरी, भूत प्रेत भगाना, गड्ढा तबीज बढ़ाना, और यू ही काम तो है हमारा, और प्रेत पकड़ में आ रहा, परे को हट जा नहीं तो नाड़ तोड़ दे गयू, बंगाले का भूत है यू, अगर हाथों में तली कर गया तो पता नहीं किसे किसे मारेगा। आज तो एक ही है, फिर पूरा कुंड में इकट्ठा हो जाएगा, डंगर मर जाएंगे, भीत गिर पड़ेगी। हट जा पगलू को, हट जा, फट फटाफट फट, धर धराम धर 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 धराम धर 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 धर, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, धर धराम धर 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 धर, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। देख ले श्यामलाल, तेरे बच्चे का कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मकान नाश हो जाएगा नाश। अब रुको चौधरी, मेरी बुराई, मकान दान दक्षिणा का कोई जिक्र ही ना है। कभी भी दान दक्षिणा दुआ, श्यामलाल, मकान नाश हो जाएगा नाश, और सारे
सारे भूत घर में बांट दूंगा और मेरे उल्टा मंत्र पुनर की किताब भी है, सारे उल्टा मंत्र पढ़ दूंगा मैं। चल बाहर निकल, कभी नहीं बताऊं तुझे, चल निकल बाहर। अरे श्यामलाल तू मेरी सुन ले, इसे किसी अच्छे डॉक्टर के ले जा, पीछे दे लेना हो तो मैं दे दूंगा, इस पाखंडी के चक्कर में ना पड़े, फिर वो डॉक्टर नहीं मिले सांझ हो जाएगी, चला जा। बस बहुत हो गया, टाइम तो देख ले, आ जा। बेचैन मत बनो, दूध पियो और सो जाओ। दूध तो बाद में पीऊंगा ना। नहीं नहीं समझा करो, देखो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक ना, तो तने बताई क्यों नहीं, मैं डॉक्टर को लाता बुला के। नहीं नहीं डॉक्टर की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम सब जानते तो हो। हाँ यही तुम्हारे में खूबी है, हम सब जाने। तो ठीक है दूध पियो और नहीं, सो नहीं, जाओ। पहले मेरे धो रहे, आज मेरे कपड़े खराब है। हैं? कपड़े तो ठीक है तेरे। तुम क्या समझे थे? बताऊं? बताओ। मैं समझा कुछ खुशखबरी है। खुशखबरी? अभी नहीं, अभी तो हर महीने वाली लाल बत्ती है, अब तुम सो जाओ। हे भगवान, गई 4-5 दिन को बात। अरे के डंगे कुंटी, कल तक पूरे दिन चवारे पे चढ़ा रहा। अरे वहाँ क्या कर रहा था रे? अरे भाई मार रहे थे एक सौदे पे निगासी, कहीं पटाई में आ जा तो। यू कुंटी जितना धरती में उतना ही ऊपर है भाई। सत्य हम तो बस बेकारी कर दिए इस गोरी ने भाई, बिल्कुल बेकारी कर दिए। अरे हम ही कौन से छोड़ रखे हैं इसने। अच्छा तो थारी समझ में भी मारे वाला ही सोता आ रहा। खुंटी तू बता तेरा क्या चल रहा है भाई। बा मेरी मत पूछे सत्य, इस टाइम तो मेरे पे पूरी फिदा हो रही है। और मैं एक दिन चला गया, न्यू कह लगी खुंटी तू सही टाइम पे आया, ले मारे घर के लड्डू खा। और बे उस दिन से मुझे के रहा पारा, बस बावड़ा होया फिर बस बावड़ा सा। अरे चाय पिए बगैर तो हमें भी ना उठन देती, इस बात का राज समझो। अरे तुम्हें इसके मतलब का ही पता ना आके बांधी हो रही इस टाइम। अरे एक दिन मुझे तो शंकर के आग गई, यूं कह लग बिरजे होली आ रही। अरे मुझे तो यूं ही नाच दिख रहा, होली कुकर पकड़ूंगा। अरे मैं तुम्हें यूं कह रहा हूँ, कुछ निशानी सी भिजवा दो। ठीक कह रहा, ऐसे सौदे सबे ना मिलते। नू के 25-25 कर लो, भिजवा देंगे कुछ। अरे तू बेकूफ है, 75 रुपए में तो गोला गिरी भी नाती, कम से कम 35-35 रुपए चाहिए। और बे सुन मैं तो आज शाम को ही जमा कर दूंगा। भाई मैं तो निशानी में गुट्टी भिजवाऊंगा, दुल्लो को याद रखेगी। पर भैया भटना नहीं, चाहे कुछ हो जियो, काम तो यू बना पड़ा, अब यू ना सोचो की चिट्ठी आवेगी। भाई ऐसा है, बना लो एक दिन प्रोग्राम सा। और बे फिर मुझे एक ब्यासे में जाना, मैं यू सोचू इस काम को निमटाता ही चलूं भाई। अरे इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा, लेकर राम का नाम आज ही चलो। अरे आज का धरी हुआ यहाँ, मैं लेकर जा रहा कहीं उसे। कहाँ जा रहे हो भाई? अरे भाई कौन हो, कहाँ जा रहे हो? रुको रुको भाई। भाई राम राम। ये क्या कर रहा है, कोट गंदा हो जाएगा। अरे भाई का कोट हम बिल्कुल गंदा नहीं होने देंगे, एकदम साफ रखेंगे। बैठो बैठो उधर बैठो, ये सब गांव में चलता है। दीदी बड़ों की तो इज्जत करनी चाहिए। सही बात है, इसमें गांव शहर की के बात है, बड़ों की इज्जत होनी चाहिए। और मैं तो भाई के चक्कर में भूल गया, भाभी राम राम। बस बस जाओ पानी लेके आओ। हाँ पानी लेके आओ। और गांव में सब ठीक है? गांव में सब बिल्कुल ठीक है, गेहूँ की कटाई में लगे हुए है। और अब क्या, तो चुनाव में बड़ा मजा आया, चुनाव में सुल्तान का हो गया, और चुनाव में रोज रोज कोई कोई वोट मांगना आले करे था, और दारू वालों ने भी बहुत दारू पी अब के तो चुनाव में। और एक रात तो हम बहुत दुखी हो गए। कैसे? ताऊ की भैंस ब्यारी थी और हम पूरी रात बाट देखते रहे, अब ब्यावे अब ब्यावे अब ब्यावे, तड़किलो बैठे रहे। तो फिर क्या हुआ? कुछ होया ही तो ना।
तड़किलो न्यू रह गए ताई या ताऊ की लड़ाई और होगी होती, और अब का तो गाड़ी इन सुद्दी घर ही आ जाएगी। प्रधान कह रहा खड़ंजा घर लो बनवा दूंगा। ये पानी यहाँ रख दो और ये बुक्स अंदर ले जाओ। भाई मैं तेरिया दे गुड़ ले आया हूँ 10 किलो और 5 किलो देसी घी है। बेसन के देसी घी के लड्डू बनवा रखे हैं और एक भैंस तेरिया बांध ली है, जितना कहेगा घी आता रहेगा। शहर का रेली घी मत खा लिए, बिल्कुल भी याद रखिए। हमें पसंद नहीं मेरा इतना बड़ा भाई अफसर और वो शहर का रेली घी खावे। बहुत देर हो गई तुम्हारी बकवास सुनते हुए। आने से पहले फोन नहीं कर सकते थे, सारा शेड्यूल खराब करके रख दिया। हमें कहीं निकलना था। आप ठीक कह रही हो दीदी, अब लेट क्यों कर रहे हो? 2 मिनट निकल रहे डार्लिंग। अरे बैकडोर चेक कर ले, आप मेरी चेकबुक जरूर ले लेना। हाँ चेकबुक तो अब का तो पिताजी की भी चेकबुक बन गई, पर ये बैंक वाले चक्कर बहुत कटवावे। अब रुक भी जाओ, बहुत देर से बोल रहे हो। भाभी अब नहीं सुने मेरी भी। अच्छा अब हम निकलते हैं, अगर आप लोगों को गांव जाना है तो जल्दी निकलना, पिताजी घर पे अकेले हैं। हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हो। और सुनो सामने से रिक्शा मिलता है, जल्दी गांव पहुंच जाओगे। हाँ चले जी। देखा ये हो जिंदगी, इसे कहें ठाट। चलो अब क्यों खड़े हैं यहाँ? अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे, रोटी वोटी खा के चलेंगे। भाई नु क्या होगा, न्यू ही चले गए। भाई को नु देख कितनी चिंता है, रिक्शा की बताई और पिताजी की बताई, एक पिताजी अकेले होंगे और पिताजी ने कह मैं चिंता ही ना कुछ। अरे पढ़े लिखे ऐसे ही चिंता करते हैं, एक पता भी नहीं चलन देते। चलो जी। चल ठीक है ओए, सामान रखा आयु, भाई को जरूर दे दियो याद करके, थोड़ा बहुत तम भी ले लियो और राम राम कह दियो हमारी। चलो ठीक है ना। धीरे धीरे चलो ना, देखो कितना अच्छा लग रहा है। हमारी गैल तो न्यू ही अच्छा लगे करे। अच्छा जी क्या हुआ महाराज जी? घर जाकर जोत बत्ती कर लिए। क्यों? नजर ना तुझको, नजर ना तुझको लग जाए तेरा रूप है घना, नजर ना तुझको लग जाए तेरा रूप है घना। तू जादूगर है, तू जादूगर है। पहले ही दिन ते मैं तो तेरा दीवाना, पहले ही दिन ते मैं तो तेरा दीवाना, पूरना तेरे वर्गी देखा जमाना, देखा जमाना। इतनी तारीफ करके चढ़ाना घना, नजर ना तुझको लग जाए तेरा रूप है घना। जोड़ी भी बना,
जाए तेरा रूप है घना। तू जादूगर है सैया जारे बात ना बना। हाँ भाई तो कुछ बताए ना वहाँ की हुई। मक्की मत पूछो पिताजी, कमाल है, जी लगे है पूरा वहाँ। एक तो एक कोठी, एक तो एक सड़क, और सड़क भी आन जान की अलग अलग। आपके लिए भी घाल दो रोटी। अभी बाद में। खा जो ले लिया बेटी। ना पिताजी मैं तुम्हें खुआ के खाऊंगा। मेरी गैल खाने में के कच्चे लगे हैं, खा। के हुआ सब्जी तो लिया हूँ, एक आदमी की इसमें तो थाली भी ले जाएगा के? और काहे में लाऊं? भाई कमाल है, फसवा दिया ना खाऊंगा देखा। पिताजी अरे हाँ पिताजी, भाई तुम्हें बहुत याद करे, हर वक्त तुम्हें याद करता रहे, और भाई को सब जाने वहाँ, सब इंग्लिश में बात करे भाई, और नौकर भी इंग्लिश में बात करे, और नौकरों को धमका दे यू ब्लडी फुल इडियट। रोटी ले आऊं? अरे बैठ जा यहीं, लिया होगी। मैं ही ले आता। अरे और बता। की बताऊं? अरे विजय की बता रहा था ना। हाँ विजय पिताजी, रोटी गोरी तू रोटी खा ले, तेरे नाव है कुछ भी याद। अब मुझे सारी बात याद रहे हैं के, तुम जाइयो वहाँ देखियो खुद, तारी आँख खुली की खुली रह जाएंगी। मेरी तो आँख खुल रही, तू अपनी खोल ले, तू कड़क जगह जा पानी पी ले। अरे ओ धन्नो, अरे मेरी पिंडारो, दो घुट पानी पिया दे, दिखे जी लिकड़न को हो रहा मेरा। मैं ना लाई पानी वानी, मंगा ले अपने छोरे थे, वो टायर चला लग रहा वहाँ। अरे ओ ड्राइवर, ओ टायर की औलाद, जाई सबनी रेल को ले जा, एक लोटा पानी लियो, अलग सूख गया मेरा। पहले दो चक्कर और मार लूं, फिर बताइए क्या कह रहा। अरे ओ नीच, मैं चाहे मर जाऊं पर तेरे चक्कर नहीं मरने चाहते हैं। ले हो गए पूरे, अब बता क्या करता। कह रहा था तेरी माँ की चाट, एक तो यह सांड ने पागल कहीं की खेत में पानी नहीं लेगा, और एक तू सपूत पैदा कर दिया संदे के लोग में। नाच गए सांडनी दिखू तो जाए, लड़की तो लग रही कुमार। ले यू पड़ा खुरपा, करवा ले के करवावे। अरे हम ही कुल से तेरे बाप के नौकर हैं, ले यू फेंक दिया फावड़ा। बापू पे ना जाइए, मैं जाना क्यों क्यों ब्याह दी तेरे। हाँ ब्याह दी नौटंकी, एक घड़ी नाच का नाच, तेरे माँ बापू ने इतना सोना छोरा खूट दिया ना, पता नहीं कहाँ ब्याह जाता मैं। घना ना चढ़े, तेरा ब्याह जाना क्यों कर होगा, मैं तो बाल को कमारी पड़ी ना, तेरे रहने जोगी ना थी मैं। रहने जोगी ना थी। स्वामी ये लोग अत्यंत कष्ट में दिखाई देते हैं, चलिए चलकर इनकी सहायता कीजिए। जैसी आपकी इच्छा। तुम लोग निराश क्यों बैठे हो? अपना आगा पाछा रो मैं, तुम बताओ थारा के बीमारी कहीं और जाकर मांगियो, आज तो हम पानी भी ना लेके आए। पुत्री ये साक्षात महादेव शिव हैं, हम कुछ लेने नहीं देने आए हैं, तुम तीनों अपनी अपनी इच्छा से एक एक वरदान मांग सकते हो। जय भोले की। अच्छा तो हम कुछ भी वरदान मांग सके? हाँ पुत्री। तो मुझे तो जवान बना दो महाराज। तथास्तु। उरा, उरा, यू क्या हो गया चुड्डे? यात्री माँ। बुड्ढे वहीं खड़ा लगा के, तू भी कुछ मांग ले। जय माई रानी, जय हो भोले बाबा। एक छोटा सा वरदान तो मुझे भी मांगना ही पड़ेगा। मांगो बच्चा। तू एक काम कर, इसे कटिया बना दे। तथास्तु।
बेटे चिड्डे यू और बरसम का कच्चा आ गया। हे पुत्र, अब तुम भी वरदान मांग लो, तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हे माते, हे प्रभु, मेरी माँ जैसी थी मेरी माँ को वैसी कर दो। जैसी तुम्हारी इच्छा तथास्तु। कर दिया ना नाश, नू तो नहीं के जाके खोर पे बांधे इसे, वैसी ही कर दे मेरी माँ को। कितनी देर से कह रही हूँ, उठ जाओ ना, हमें आपसे कुछ काम है। की काम है? उठ जाओ तभी तो बताऊंगी। मुझे ऐसे सुन रहा, बोल। पहले कंबल से मुंह बाहर निकालो। अरे बोल देना। तुम्हें कुछ नहीं सुनता, तुम तो बस ऐसे ही कहते रहोगे। देखो अगर उठोगे नहीं ना तो मैं पानी डाल दूंगी। बस थोड़ी देर हो। ठीक है, मैं पानी लेने जा रही हूँ। अरे क्या कर रहे हो, दो मिनट तो रुको, मैं लाइट तो बंद करके आ जाऊँ। अच्छा मेरे से चलाकी। देखो बहुत देर हो गई है, उठ जाओ ना प्लीज। अभी मुझे सोने दो। देखो आप कितने अच्छे हो, प्लीज उठ जाओ। चल ठीक है, तो मेरी एक बात मान। नहीं, आज आपकी कोई भी बात नहीं मानी जाएगी, आज आप मेरी बात सुनेंगे। आज मेरा व्रत है, कल आपकी बात सुनी जाएगी। चल काम बोल। आपको बाजार से जाके नारियल और मिश्री लेके आनी। नारियल मिश्री, ये तो काम में मिले ही नहीं, बाजार जाना पड़ेगा। तो जाओ। हे भगवान। अरे उठ जा, खेल लिया होगा होली। तुम्हें नाश हो जाएगा। इस मजनू को उठा दे। चल रे खुंटी आँख खोल। अरे फिर ही लेके खोलेगा कैसे? चलो भाई, गया आज तो साइकिल लेके जा रहा है, लगता है लंबा ही गया। चलो रे। भगवान ने सुन ली। अरे आज मौका मिल गया, आज तो पटाई रहेगी बस। अरे शंकर कहाँ बढ़ रहा है? अंदर आ जाओ, वे तो ना है। चले तो, महाराज यार तो ना है। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप लोग बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। सपने में भी यही लगते पैर रही थी भाई। अरे हमारी बात सही ना पाई, फिर जाली हुआ कमरे में। रुक जा, मैं हाथ पांव धोया हूँ, एकदम ही आवाज मारेगी वाह। अभी रुक जा, मटला मलन को वह लग रही जुगाड़ में। अरे फिर जाली उस कमरे में। खुंटी जा, तो कह रहा था ना आप धो ले हाथ पांव। अरे तकिया भी लेगी के? अरे इब के लेने जा रही है। लत्ते लुत्ते बिछा के बिहा के करना लियो। न्यू थोड़ा ही ना, पहले चाय पियाओगी, इसके मन की तो आज ही होगी। अरे पढ़ी लिखी है, वही से इशारा करेगी। ले बे आ तो लिया इशारा सा, पहले मैं ही चलूं। अरे सत्य को निकलन दे पहले, तू फेर जाइए। तू इससे बड़ा नेता मानना है किसी को? और तू रहन दे, जब मेरी बारी आवे ना तेरा न्यू दर्द सौख है। अरे ओ नेता रुक जा, पहले छत के बटन खोल, वहां चढ़ा और काम तो तेरा बना ही पड़ा, जा। जा तो लिया भाई। हम भी आ गए। हाँ हाँ आ जाओ, बताओ क्या चाहिए। जाते कूड़ी भरेगा। एक बात सुन, हम तो चलते हैं। क्यों चलते भाई? कुछ गड़बड़ हो गई ना तो जूते तो इस पे फिरेंगे, हम तो ना पिटने गए, और कुछ काम बन गया ना हाँ तो हम फिर देख लेंगे। ठीक कह रहा तू, निकल ले पतली गली से। मुझे तो बस तू ही चाह, तेज तो सोनी तेरे जैसी पढ़ी लिखी आज तक ना देखी, तो जय देख देख के ही तो जी रहे हैं, सपने में भी तू ही दिखे। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सही कह रहा हूँ, तू देवी सी लगे, शंकर तो तेरा का कुछ भी ना है। आपकी तबीयत तो ठीक है? तेरे तो हाथ भी ऐसे हैं मोम के, लगा दे हमारे भी दवा, कुछ दिन जी लेंगे हम भी। चाय ने बना दे रहा होगा यू, हाथ छोड़ चाय बनाने दे, यू तो न्यू नाटे, तू बना के पाइए। और हाँ यू तेरा काम में ही मिल गया सामान, शहर जाने की जरूरत ही ना पड़ी। यू तेरा नारियल है और ये मिश्री है और फूल है, तड़की तड़क ठा के भेज दिया, मुंह भी ना धोन दिया, अब मुंह धो लूं मैं। शंकर तुम पे कितना विश्वास करते हैं और तुम्हारे मन में कितना पाप भरा हुआ है, दोस्ती के नाम पे ऐसे काम करते हो। दोस्ती में विश्वास करना सीखो जैसे शंकर तुम पर करते हैं। भाभी जी गलती हो गई। कुछ गलती ऐसी होती है जो पाप बन जाती है, और जो एक बार हो जाए ना वो फिर कभी ठीक नहीं होती।
भाभी जी माफ कर दो। लो डार्लिंग कॉफी लो। थैंक्स डियर। अरे यार दीपा क्या है ये, सारा दिन इंग्लिश फिल्म देखती रहती हो, जरा मैच को देखना क्या आ रहा है। अरे यार संडे को मैच आएगा परसों। ओ यार संडे को तो मेरा भी रेस्ट है, चलो गांव चलते हैं एक दिन, काफी टाइम हो गया है। क्या करेंगे गांव में जाकर। अरे आपने ना अभी गांव वाला घर देखा नहीं है, चलते हैं किसी दिन। मुझे गांव दिखाना जरूरी है क्या। नहीं यार वो शंकर आया था ना, और आपने अभी तक है ना पिताजी को नहीं देखा है। मुझे उनसे क्या लेना। चलते हैं किसी दिन। अभी तक वो हाफ माइंड मेरे सिर से नहीं उतरा, और आप पूरे गांव का कूड़ा करकट और कीचड़ मुझे दिखाने की तैयारी में। अरे आपको वहाँ की रियलिटी का नहीं पता। कुमार मुझे वहाँ की रियलिटी मत समझाओ, वो लोग जो आए थे वो वहाँ की रियलिटी का सैंपल था। आ गए हैं सर पर गट्ठर बांधकर, कोई एटीट्यूड नहीं। वो सामने वाली पूछ रही थी किसे बिठा रखा है, क्या जवाब देती मैं उनको। अरे आप माइंड क्यों कर रही हो, हमने यहाँ पे प्रेशर तो नहीं डाला ना। मैं माइंड नहीं कर रही हूँ, ऐसे माहौल में मैं एक मिनट भी नहीं रह सकती। नफरत है मुझे इन सब चीजों से, जिक्र भी मत करना मेरे सामने। बाकी अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, वरना मुझे भी पसंद नहीं है आपका वहाँ जाना। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम कोई अपनी पसंद का प्रोग्राम बना लो फिर चलते हैं घूमने, ठीक है। और भाई सत्य, हम तो कल तुझे छोड़ के चले आए थे, मगर क्यों इसके काम में खलल गिरा। सत्ते कल तो बारलोई में ढहरा दिखे। बेटे मरना तो हमें पड़ेगा आज, बता मैं सत्ते मारा के टाइम छ दिया। रे कैसे चुप सा हो रहा, कुछ बोलता क्यों ना। चुप ना हुआ तुम्हें तो यकीन ना आवे, गोरी भाभी ऐसी ना है। ऐसी ना हुआ, हम जब आए ना अभी वो बाहर खड़ी हुई देख रही थी मुझे। सत्य देख टाल होने वाली तो कोई बात ही ना थी, पर यू कुकर हो गया। भाई हम ही गलत थे, गोरी भाभी तो बहुत शरीफ है। ओ? शंकर, शंकर तो हमारा पक्का यार है, हम उसकी गैल्ला कैसा कर रहे थे। यो तो कलंक है दोस्ती के नाम पर, वो तो इतनी बढ़िया है, उसके जो कलंक लग गया वह तो फांसी खा के मर जाएगी। हमें तो शर्म आनी चाह, हम अपनी दोस्त गैला ऐसा कर रहे थे। खुंटी सही कह रहा सत्य, हम ही गलत है। मेरे मामा के गाँव की एक छोरी इसी बात पे जहर खा के मर गई थी, और जो गोरी भाभी के यो कलंक लग गया ना तो हम पे ऐसा पाप चढ़ जाएगा जो सात जन्म नो ना उतरे। अच्छा रे, वाह हमें नहीं आ पता, हम तो बहुत बड़े पाप में पड़ रहे थे यार, यारी में दगा करके। हमने तो बतेरा गलत करा गोरी भाभी के विषय में ऐसे सोच के, कभी मौका मिला तो इस पाप को धो देंगे। हाँ यार गोरी भाभी हमारी माँ जैसी है, हमने तो सोच के गलती करी है, उसके लिए भाभी हमें माफ करना, भगवान मुझे माफ करना। उठ रहे खुंटी, गलत बात तो कभी सोचने भी ना चाहती, चलो मंदिर चलते हैं, प्रसाद बन रहा होगा वरना वो पाखंडी लाल अकेला ही पी जाएगा। हाँ यार शंकर भी तो वहीं होना चाहिए। चलो तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैं अपने आप कर लूंगा। अरे नू परेशान ना होते, मैं भी कुछ काम कर लूंगा, वही एक सुक्का पड़ा उसमें पानी दे दे। दे दूंगा मैं अपने आप, तुम एक काम करो ना, तुम भाई धोरा हो आओ एक दिन, वो बहुत याद करे तुम्हें। भाई मेरा तो जान को जी करता नहीं वहाँ। हो आओ तुम, मैं कह रहा हूँ जब एक बार हो आओ। चल ठीक है चला जाऊंगा। ठीक है मैं जा। तू कहाँ जा। मैं मंदिर में जा रहा हूँ, आज मंदिर में प्रोग्राम था एक। तू मंदिर रहेगा, तू रहेगा, तू मंदिर में रह लग। आओ रे हो गया प्रोग्राम शुरू। ए अर्थम आगे इबी का प्रसाद बढ़िया। पंडित जी राम राम। पंडित लग जा। खुंटी लग जा, बाबा धोरा करवा ले कुछ। ठीक है अब की बार प्रसाद बांटेंगे हम, पहले किसी किसी को तो चार चार गिलास मिल गए और किसी को एक भी ना मिला। खुंटी चाक के देख कुछ बना स्वाद सा। हाँ। अच्छा अब प्रसाद को झूठा करोगे, अर्थम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे।
अपने अपने घर जाके 10-10 रुपए ले आओ। आज तो त्योहार का दिन है और कुछ दान दक्षिणा करना सीखो। ए यूं ही काम तो है हमारा। शुरू ना करता के आगे चाचा। अब बेटे अब आगे चाचा अब होगी शुरू। चाचा इवलो कहाँ था? तेरी चाची दो रहे। चाचा जुत्ती जिंदाबाद। चाचा जुत्ती जिंदाबाद। दे रहे पंडित जी घाल के। बबड़ा हो रहा तू। पहले शिव जी महाराज पूछे ढंगवा और यूं ही काम तो है हमारा। पंडित जी जात चढ़ाया बोले पे भी और देखे तू आके पी लिए है। मैं क्या पिया करूं और यूं ही काम तो है हमारा। बोल शंकर भगवान की जय। और यूं ही काम तो है हमारा। गाल बा गाल कुट्टी आन दे। लो चाचा करो शुरू। हाँ करेंगे क्यों नहीं। हम ही ना करते आए शुरू पहले तो ही। बोल शंकर भगवान की जय। खेच दो बेटे तुम भी खेच दो। चाचा शंकर भी आ लिया। अरे आन दे क्या बात है बेटा हमारा। हम कट्ठे पियोगे आज। अरे यहाँ कुर्सी भांग है। ये तो भाई शिव जी का प्रसाद है। आज तो चाचा और ही ढंग में है। हम पहले से ही और ढंग कर रहे हैं। चिंता न मानिए आज चाचा हमारी गैल है। चाचा पहले से हमारी गैल को बनवा गिलास। अरे मैं दूध पी के आया हूँ यार। दूध इससे बढ़िया ना होता। चाके देख चाके। जय बोल के लिए। ओए मेरे कहने से चाचा को गिलास। गाल भाई गाल। चाचा जो बेटे की बात को के नाच सके चाचा। मारे कहने से एक घूंट और ले ले। गालता रहे भाई मजा आ गया। वो पंडित कहाँ रह गया? यू गाल रहा उसे गाल। किसने किसने मरने नहीं देख क्या? और यू ही काम तो है हमारा। बम बम बोले। बोलो बाबा राम राम। पिछाड़ लिया हूँ तू खेत में आया था। मैं चौधरी जगवीर सिंह। तूने पता भी नहीं दिया फिर। और सब ठीक ठाक था? हमारे गांव में कोई तकलीफ तो नहीं? ओके बाबा। अरे इसकी दवा मेरे पे। चलो रे। हे भक्त कैसे हो? डरा रहे मुझे। हम अगर सारे के सारे मेरे पीछे पड़ रहे हैं। हे देवी जो हमारे ठेकेदार हैं उन्हें ही हम पर विश्वास नहीं है। तू बड़ी बनी है बापू के सामने। अब लगेंगे घर में। तू बना ले लो घर में ही लगेंगे। हाथ डाले बता दे मार दूंगा नहीं खींच खींच के। सांड आज कहां मरे था तड़की थे? आज तो हवाई जहाज बना हंडे। डार्लिंग आज ना रहे थे चक्कर। तू क्या सोच रही है? तू क्या सोच रही है? मैं नशा कर रहा हूं? मैं कोई पी रहा हूँ? नहीं डार्लिंग नहीं। आज तो मैं वहाँ गया था उसे अपना सूजी बोला ना जो अपने खेत में आया था। आज मिल गया तो भाई हम भी पूछ लेते हैं कोई तकलीफ तो नहीं तेरे को। भाई वहीं से थोड़ा सा
प्रसाद लेके आ गया। नाश गए छिका हांडे नु क्या मन ना पी बता दे उसका नाम ना सर फाड़ दूंगी। अरे दावड़ा बता दे नहीं तो लठला उठा के बावड़ी हो रही है तू। ए ओ मैंने पी कहा वो जो अपना शंकर है ना मेरा जिगर का टुकड़ा मेरा भतीजा आज वो जो कहने लगा चाचा खींच दे। क्या उसने भी पी होगी। We'll be right back.
यू विजय का ही घर है के? हाँ जी, आप कौन है? हट पिछा। अरे ताऊ जी कौन है आप, अपना नाम तो बताइए। अरे हमारे नाम तो अभी पूछना पड़ेगा के तू पिछा हट। रुकिए मैडम से पूछने तो दीजिए। अरे ताऊ जी आपके चक्कर में मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और तो फिर? अरे मैडम से पूछने तो दीजिए। अरे क्यों राड मार रहा, तुझे पता ना सता, तू पिछा हट, हम अपना आप देख लेंगे। अरे अरे तू रुकिए ताऊ जी, रुकिए ताऊ जी, रुकिए रुकिए ताऊ जी, रुकिए ताऊ जी, रुको। अरे रुकिए तो रुकिए। आप कौन, यहाँ कैसे, ये कैसे अंदर आए? मैंने इन्हें रोका था, ये जबरदस्ती अंदर घुसा है। आपकी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की, पूछ नहीं सकते थे? हाँ बोलो। मुझे कुछ काम ना बेटी, मैं तो थारे तो मिलना आता। ये मिलने का तरीका है? खैर गलती तो बतेरी मेरी, पिछाना ना दिखता। मैं हरबीर हूँ, विजय का बाप। विजय है कहाँ? विजय तो ऑफिस में है। देख ले आ जा तो उससे भी मिलता जाऊंगा, तू तो देख ही ली बेटी। विजय ऑफिस छोड़कर आपसे मिलने आएंगे? हाँ देख ले आ जा तो। ऐसा है वो ऑफिस टाइम में नहीं आ सकते, अगर आपको मिलना है तो ऑफिस में जाकर मिल लीजिए। बेटी कहाँ है उसका ऑफिस? इन्हें ऑफिस बता देना। हाँ जी मैडम। ले बेटी ये सगुन। रहने दो, आपके काम आएंगे, चाय पी लेना। ऐसे ढकोसले मुझे पसंद नहीं है। अरे कहाँ चले जा रहे हो, रुको तो ताऊ। अरे अंकल जी पहले गेट पे तो एंट्री करा लीजिए। अंकल जी पहले गेट पे रजिस्टर में नाम लिखाया जाता है, उसके बाद ही अंदर जाते हैं। रुकिए अंकल जी। अरे अंकल जी। अरे तू हट चलन दे। सर ये जबरदस्ती अंदर घुसे चले आ रहे हैं। अरे बाबू विजय तो मिलना। हाँ हाँ आप बैठिए, हम अभी पता करवाते हैं। तो उसे पता करवा दो। हाँ जी आप बैठिए। के रहा उस बात का? बाबा अभी साहब बिजी हैं। अरे वो तो बिजी हो रहा, मैं आप ढूंढ लूंगा, यहाँ सबके सब साहब हो रहे। अरे अरे बाबा रुकिए, साहब लोगों की मीटिंग चल रही है। अंकल जी रुक जाइए। खानी साहब ये हमारी कंपनी का दूसरा प्लान है, मैंने सर को भी इसके बारे में बताया है। और हाँ अरे घंटा होलिया पता करवाया था, किसी ने कुछ जवाब ही ना दिया, एक बार मारे तक मिल ले। अरे बाबा आप यहाँ क्यों चिल्ला रहे हो, आपको पता नहीं है यह मीटिंग चल रही है? गार्ड बाबा को बाहर बैठाओ, बाबा से अभी मिलते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, अरे सुन रहे अपने साहब को कह दिए, मैं तो होली राख ली, राम राम कह दिए उसे। लत्ते तो बहुत बढ़िया पैर रखे हैं, पर ये जूती मैच नहीं कर रही। ओ जगबीर। हाँ भाई। अरे वो बरात की बस वहाँ खड़ी, अरे वे बात जवाड़ा गिलकिट के कहीं है। अरे शंकर भेज तो रखा बुलाने की खातिर भाई। पिताजी इस लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। तेरा दिमाग खराब है, बता तू क्या कह रहा, क्यों ना करता? पिताजी आप समझते क्यों नहीं हो, वो लड़की मेरे लेवल की नहीं है, वो कभी मेरी लाइफ में एडजस्ट नहीं हो सकती, और वो पढ़ी लिखी भी नहीं है। अरे सोनी है, पढ़ी लिखी है, कौन कह रहा? चाचा कह रहे थे। क्या कह रहा था तू, तो देखी ना सोनी ना हुआ पढ़ी लिखी ना? भाई मजे तो उनके घर में कोई पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं दिखाई दिया, ब्याह की खातिर सभी कहते अपने बालकों को पढ़ाई लिखा है, और रही सोनी की बात, मजे तो वहां इतनी सोनी भी ना दिखाई दी, दिखाने के टाइम सभी सजा दे अपने बालक को। तुझे घना पता बी ए पास है, इसमें गरीब का क्या मतलब है, गरीब के बालक ना पढ़ते लिखते गए उनकी शादी ना होती गए।
मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पता है गांव की कैसी पढ़ी लिखी होती है। बता भाई, इसे इज्जत भेजी थी कहीं ना पता यू पढ़ा लिखा के ये भाई कह के चल दिया। ये बात पहले होकर है, जा समझा ले इसे। मैं तो चार घंटे से समझाने लग रहा हूँ, मेरी मानना है कि वो तो जान की तैयारी करने लग रहा। कहाँ जान की तैयारी कर रहा? शहर। राव कहाँ जा तू? यू सांग भरने तो पहले मैं बता देता। ये कर रहा भाई? अरे करना क्या है, ठाक लड़की वालों को फोन कर दे, अगर भाई लड़का शादी के लिए तैयारी ना है। अच्छा, यह बात इतनी आसान है? सामने वाले तो कोई इज्जत ही नहीं रख रहा। तो फिर क्या करेगा? मेरे पे तो कहीं नहीं जा। मैं तेरे बिना कहीं जा, ला मुझे दे फोन, मैं कर दूंगा। गोरी की माँ, बड़े दुख की बात होगी। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? भारत नहीं यार, ये लड़के ने शादी से मना कर दिया। ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो देखने को भी दो बार आए, और ऐसे टाइम पे मना करा करें के? उसने बेइज्जती कर दी, सारी तैयारी हो रही है, सब रिश्तेदार आ रहे हैं, हम बारात की बाट देख रहे हैं। ठाके फोन कर दिया, के तरीका देखा न, हमारी कोई कमी बताई। तुम फोन तो करो, पूछा तो करें के बात हुई, इब महारा के रहा होगा। के फोन करूं, साफ मना कर दिया। नहीं, फिर भी तुम एक बेर उसके बापू ते पूछो। अरे ले उनका फिर आ गया फोन। अरे आ गया तो सुन ले, वे कौन सा बुड़का भर लेंगे इसके माँ के। हेलो चौधरी साहब, राम राम। होली भाई, राम राम। के बात हुई चौधरी साहब, गरीब आदमी की इज्जत का कुछ तो ख्याल रख लेता, क्या गलती है मेरे को तो बता देते। अरे भाई धूम सिंह, तेरी कुछ गलती ना, गलती तुम्हारी है। भाई धूम सिंह, हम तो मुंह दिखाने लायक भी ना रहे, बारात की तैयारी कर रहे थे, आके नालायक नाच गया। हो सके तो हमें माफ कर दे। मैं तो माफ कर दूं हरबीर सिंह, पर सोच ले कुछ मेरी भी इज्जत सी रह जाएगी। गरीब आदमी हूँ, अगर मेरी जगह तू होता तो क्या करता। भाई धूम सिंह, जो मेरे हाथ में वो बता, वो कर दूंगा मैं। राह भी बता दूंगा, इब तो मेरी इज्जत तेरे हाथ में हरबीर सिंह, इसका छोटा भाई भी तो है, सोच ले कुछ। भाई धूम सिंह, तेरी बात तो ठीक है, तेरी लड़की तो पढ़ी लिखी है, पर हमारा शंकर तो अनपढ़ सा ही है, फिर के रहा होगा। मैं तो हर तरह से तैयार हूँ। भाई धूम सिंह, तेरा दर्द तो मैं समझूं, शंकर की तो हम जुकर चांगे नू हो जगी, पर तू अपनी लड़की से एक बार पूछ के तसल्ली कर ले। नहीं वो आ गया शंकर भी। अरे यहाँ ले आए मैं बाजे वाले को, वहाँ नहर पे निकल गए, मैं साइकिल लेके वहीं पहुँचा, ले आया घेर के उरे को, फिर ताऊ मिल गया। बस भरी खड़ी है, ताऊ अब लो तैयार नहीं हुआ, या कोई बात है भला? ओ तूफान मेल, ओ शाने, तुम्हारी भी सुनेगा। बताओ। वो विजय ब्याह को नाट गया। नाट जान तो कोई बात नहीं, भाई पढ़ा लिखा इंसान है, सही नाट्य होगा। अरे छोरी को लेकर नाट क्या? छोरी को लेकर नाट जान दो तो तू कर लेगा उस ब्याह को? हाँ और के, मैं कर लूंगा, मेरा पता नहीं होता ना होता, इस बहाने मेरा ब्याह तो हो जाएगा। परेशान मत हो गोरी की माँ, मेरी विजय के पिताजी से बात हो गई है, उसका भाई है छोटा शंकर, वो हाँ कर रहा। गौरी से पूछ लो बेटी, जरा सुन तो गौरी, देख ले क्या कह रहे हैं तेरे पिताजी। कहो पिताजी। बेटा विजय तो बहुत नालायक पाया, पर उसका छोटा भाई है शंकर, पढ़े लिखे तो कम है, पर वो खुश होके हाँ भर रहा है शादी की। सोच ले बेटा, सबकी इज्जत रह जाएगी। भाई तो विजय का है, देख लिया कैसा है। नहीं माँ, विजय ठीक है, ये तो शुक्र है उसने पहले ही मना कर दिया, अगर शादी के बाद मना किया होता तो मैं आप लोगों को कभी नहीं दिखाई देती। पिताजी, जिस लड़के ने हमारी इज्जत रखी है मैं उसी से शादी करूंगी, आप खुश होकर हाँ कर दीजिए। और जब गौरी को शंकर मिल रहे हैं, इससे अच्छा और क्या होगा। पिताजी, पिताजी,
पिताजी पानी। ला बेटा। पिताजी आ गए? हाँ आ गया। तू बढ़िया सी चाय बना पिताजी के लिए। बेटे चाय रहने दे, तू पानी ला, मैं पान दूंगा। हाँ पिताजी अभी लाई। लड्डू ले आऊं? लड्डू खा लो। अरे लड्डू खा रखे मैं। हाँ हाँ जरूर खाए होंगे, भाई ने एक तो एक मिठाई मंगा दी होगी, वहाँ की कमी है। और भाई की कोठी देख के छाती सेड़ी हो जाए, और नौकर भी पढ़े लिखे हैं। तू चुप हो जगा के नहीं, मेरी आंखों में दर्द हो रहा। टीवी देखा होगा, भाभी के थमन दे टीवी को, पूरी शौकीन है फिल्म देखने की। और समाचार, समाचार भी इंग्लिश वाले सुने। और भाई तो मिला ही ना होगा, हर टाइम दौरे पर है। हैं? तुझे एक बात बताऊं, उस नालायक का तो मेरे आगे जिक्र भी ना करिए। छाना भी नाम है, बाबा बतावे। खुशखबरी है इसका मतलब, चाचा बनने वाला हूँ मैं, पर मारे आगे जिक्र ही नहीं आन दिया। यो पता ही ना तू किस दुनिया में रहे। एक बात सुन ले, उसका तो हाथ मेरी अर्थी का बिना लगा दिए। बेटा सदा खुश रहे, भगवान करे तेरे कैसी बहू हर घर में आ जा, हर बाप को तेरे कैसी लड़की मिले। ते तो बेटी मारा घर स्वर्ग बना दिया। तेरा चेहरा लगे गुलदस्ता भरा फूलों ते, झुकरा पल्लू चोटी लटके बाग भरा जन झुल्लों ते। आँख खुले तेरा चेहरा लगे गुलदस्ता भरा फूलों ते, झुकरा पल्लू चोटी लटके बाग भरा जन झुल्लों ते। सात सुरों का संगम हो जा, सात सुरों का संगम हो जा, जब तू बोले वाणी। स्वर्ग जैसा घर है मेरा, तू इसकी रानी। प्यारी सी और न्यारी सी है, प्यारी सी और न्यारी सी है अपनी प्रेम कहानी। प्यार और विश्वास से स्वर्ग जैसा घर है मेरा। बड़े फक्कड़ तू फिर भी प्यारे लगते हो, दुनिया में रह कर भी तुम दुनिया से न्यारे लगते हो। अल्हड़ मस्त बड़े फक्कड़ तू फिर भी प्यारे लगते हो, दुनिया में रह कर भी तुम दुनिया से न्यारे लगते हो। साजन
शंकर हो नाथ मेरे तुम गोरा है ये गोरी। स्वर्ग जैसा घर है मेरा तू इसकी रानी। प्यारी सी और न्यारी सी है, प्यारी सी और न्यारी सी है अपनी प्रेम कहानी। प्यार और विश्वास से बंधी है अपनी डोरी। शिव शंकर हो नाथ मेरे तुम, शिव शंकर हो नाथ मेरे तुम गोरा है ये गोरी। मैंने सारी इंक्वायरी करा ली है। मेरी मिस्टर बत्रा, मिस्टर लखानी, मिस्टर किशन से बात हो गई है। आपने अभी तक बैलेंस शीट फॉरवर्ड क्यों नहीं की है? मिस्टर माथुर, सारी फाइलें सर्टिफाइड करा के शीघ्र ऑडिट के लिए भेजो। सर, टोटल डिफरेंस 70 करोड़ का है। ये जिम्मेवारी विजय साहब की होती है, इन्हें ही पता होगा। कुमार साहब, ये जिम्मेवारी आपकी है। पता चला है करोड़ों का डिफरेंस? कोई जवाब है आपके पास? सर, हम दोबारा चेक कर लेंगे। चेक करने से रिकवरी हो जाएगी? पता है आपको किस रैंक के आदमी हो? कंपनी आपको VIP फैसिलिटी देती है और 70 करोड़ का डिफरेंस। मिस्टर विजय कुमार, मुझे रिकवरी चाहिए, रिकवरी। सर, मैंने इनको कई बार टोका है, किसी की सुनते नहीं। लखानी जी, इसमें क्या हो सकता है? कंपनी ऑडिट में 70 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। यस सर, रिकवरी हो जाएगी। ज्यादा अमाउंट चैरिटी में शो किया गया है। कोई बात नहीं, चैरिटी ने रिसीव नहीं किया है। रिसीव नहीं किया? सर, रिकवरी के लिए मिस्टर विजय पर केस डाला जा सकता है। मिस्टर विजय, मेरे पास 2 दिन का समय है, आप सोच लीजिए। मुझे रिकवरी चाहिए, वरना केस डलेगा और आपको जेल भी होगी। तुम क्या कर रहे हो? भाभी, मैं तीसरा सवाल निकाल रहा। ठीक है, जल्दी निकालो। आजा, बहुत होगी पढ़ाई, वह बिल की किताब दे दे, बहुत जरूरी है। तुम क्या कर रही हो? भाभी, मैं तो याद कर रही हूँ। ठीक है, करो, मैं अभी सुनूंगी। लो भाभी, हो गया। ये पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे, ले हम देखेंगे क्या कर रहे हैं ये। तू इनकी लिए चाय बना दे। कौन पी रहा है चाय? क्या करोगे बिल की किताब का? पढ़ के देखूं कितना बिल हो लिया। तुझे ना पता बिल के मारा केक के बात हो जाए। ला दे दे, बाद में देती हूँ। सुनाओ, तुमने क्या याद किया? भाभी, लो मैंने कर लिया। देखो इनका कितना काम छूटा पड़ा है। इन्हें खुद करण दे, जैसे तू लग रही है ऐसे तो इन्हें कुछ भी ना आने का। देख वे, रसोई में गड़गड़ हो रही है, बिल्ली बढ़ की दिखे। अरे कुछ ना हो रहा, वहाँ खिड़की बंद है। देख, यू सारा घी खिड़ा दिया बिल्ली ने। ओह माय गॉड, विजय क्या हुआ? हम सड़क पर आ गए दीपा। क्या हुआ बताओ? वार्निंग लेटर मिल गया है मुझे, अब तो मुझे जेल भी जाना पड़ेगा। ये देखो वार्निंग लेटर। 70 करोड़। गौरी, एक बात तो सुन। बताओ, सुन रही हूँ। मुंह पर कर ले, आज का ना जो तू पढ़ रही है। पता है मुझे क्या कहोगे? तू समझ नहीं रही। बता दो, समझ रही हूँ। न्यू ना समझे तू। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। देखा, अरे इसे तो इतना ही पता। चौधरी साहब, बालक खेलते ही अच्छे लगे। पिताजी देख रहे हैं। शंकर, पानी लाइए रे। नमस्ते जी। पिताजी नमस्ते। जीती रहो बेटी, और सब ठीक है? हाँ पिताजी, सब ठीक है। पिताजी, माँ कैसी है? ठीक है बेटा। लो जी पानी।
जा बेटा कुछ खाने वाने को बना ले। हाँ पिताजी ठीक है। ना लंबरदार कुछ नहीं। नहीं बेटा नहीं। अरे धूम सिंह वो पुराना जमाना तो खत्म हो गया। चौधरी साहब कुछ शिकायत तो ना है? मुझे शिकायत? अरे इससे तो भगवान को भी शिकायत नहीं हो सकती। बस मुझे तो शंकर का फिकर था, वो भी मेरा दूर हो गया। ये तो घर की देवी है, देवी। इसने तो मेरा घर स्वर्ग तो भी बढ़िया बना दिया। हेलो अंकल जी। नमस्ते। नमस्ते भाई। मैं राजीव बोल रहा हूँ, विजय का दोस्त। हाँ बोल भाई, क्या बात है? अंकल जी, विजय पर कंपनी ने 70 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया, इसलिए कंपनी ने उसे निकाल दिया है और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। वो बहुत परेशान है। पिताजी क्या बात हुई? अरे बात तो वही हुई जो होनी चाहिए थी। उस साहब ने करवा किसी जानकार था फोन, 70 करोड़ के घोटाले में फंस गया कहिए, और जेल भी जाना पड़ेगा। कंपनी ने काटी दिया। सवाल ही नहीं उठता। भाई को काटने से पहले लाला को 100 बार सोचना पड़ेगा। 6 महीने बिना चले उसके बिना कंपनी, और उसके दौरे पैसे की क्या कमी है जो ऐसा गंदा काम करेगा? किसी ने मजाक में फोन करा आयु, मैं देखूंगा। मजाक? मजाक नहीं, जेल भी जाना पड़ेगा। भाई को जान देंगे हम जेल में? हम जाएंगे जेल में। भाई की नहीं तो हम छाती खोल के खड़े हो जाएंगे। अरे घोटाला तो होकर है, और जेल में जाएगा तू? मैं क्यों नहीं चला जाऊंगा? जब उसका ब्याह हो रहा था मैंने उसकी जगह ब्याह नहीं करा। जब वो मौसी के जा रहा था तो मैं गया नहीं उसकी जगह। बेटा सोच समझ गया कर, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। मैं जरूर जाऊंगा। तुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, सुन गया के?
डर मत बेटे, गुंडे भाग गए, तू आ जा। डर मत, आ जा, आ जा, आ जा। ले 10 रुपए और चीज खा लिए। डर मत, बस आ जा। अब घबराने की बात ही नहीं है, आ जा। अरे यस, तू ठीक तो है ना? पापा, पापा, पापा। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बेटे को किडनैप होने से बचा लिया। कोई बात नहीं भाई साहब, घबराने की बात नहीं है, बच्चा थोड़ा डरा हुआ, इसे डॉक्टर का जरूर ले जाइए। यू क्या है जी? चेक है। अच्छा, पैसे नहीं है थारे दो रहे? मेरे पे तो ले लो 100-200 रुपए की जरूरत हो तो, पर दिखा जरूर लियो इसे। पैसे नहीं मांग रहे हम आपसे, बल्कि ये चेक दे रहे हैं, आप जितने चाहे इसमें पैसे भर लीजिए। अजी, पैसों की मारो दौरा की कमी है? 23,864 रुपए मेरे खाते में और पिताजी के खाते में जने कितने हैं? क्या नाम है आपका? अजी शंकर नाम है मेरा। चलो मैं आपको घर छोड़ दूं। घर तो मैं अभी आया हूँ जी, मैं कोई शहर में थोड़ी रहूं। अच्छा, आप शहर में नहीं रहते? ना जी, मैं तो भाई से मिलन आया हूँ। आपके भाई क्या काम करते हैं? भाई किसी कंपनी में बड़ी पोस्ट पे, और भाई की और मालिक की जो है ना कुछ कहा सुनी होगी, तो मालिक ने उस पर 70 करोड़ का इल्जाम लगा कर कंपनी में काट। पर हमारा भाई ऐसा नहीं है, हम तो जमीन बेच के एक एक पैसा दे देंगे, पर भाई पे कलंक नहीं लगन दे। कौन सी कंपनी में काम करते हैं आपके भाई? कंपनी जी सोनोटेक कैसेट कंपनी बताया करे था। क्या नाम है आपके भाई का? भाई का नाम तो विजय जी। अरे भाई शंकर, तुम तो सच में ही बोले शंकर हो, सोनोटेक कंपनी का मालिक तो मैं ही हूँ। अच्छा, तो तुम विजय के भाई हो? पर भाई दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। अरे भाई शंकर, तुम दूसरे के दर्द को अपने दर्द से भी ज्यादा समझते। विजय मेरी कंपनी में ही तो काम करता था, तुम्हारे इस उपकार के बदले मैं विजय का केस वापस ले लूंगा। ठीक है भाई लाला जी, जैसी थारी मर्जी, और नहीं तो हम थारा एक एक पैसा ब्याज सही देते, न्यू हम किसी के पैसे नहीं मारे करते। ठीक है ठीक है, आइए हम आपको जहाँ जाना है वहीं छोड़ देते हैं। चलो जी। फिर एक किसी फ्लैट पे कर लेना। भाई राजीव, मुझे तो नौकरी नौकरी का पता चला था, पर भाई का यू एक्सीडेंट और भाभी की हालत कैसे हुई? भाई शंकर, विजय पर कंपनी ने गबन का आरोप लगाकर निकाल दिया, इसी सदमे में तुम्हारी भाभी को लकवा मार गया, और भाभी की दवाई लाते समय उनका एक्सीडेंट हो गया, कंपनी ने उनकी गाड़ी बंगला सब छीन लिया, दोस्ती के नाते मैं इन्हें अपने घर ले आया। यार तने बहुत बढ़िया करा, तेरा बहुत एहसान है, और हम तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल लेंगे, बस तू इन्हें घर और भिजवा दे और मेरे घर फोन करवा दे। अरे भाई, इसमें एहसान की के बात, ये तो मेरा फर्ज बने दोस्ती के नाते। तेरा बड़ा धन्यवाद।
हे भगवान, ये प्रार्थना है मेरी आपसे, विजय भाई साहब और दीपाली दीदी जल्दी से ठीक हो जाए। इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है और हमसे इसमें भूल करके भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भगवान, जब तक ये दोनों ठीक नहीं हो जाते, मैं सोमवार के व्रत रखूंगी और इनके ठीक होने पर अपने व्रतों का उद्यापन करूंगी। आप मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें। ज्ञान का सच्चा सार तू ही है, इस जग का आधार तू ही है। छोड़, हम ला करेंगे छाट छाट के। हाँ तुम ले आओगे, रहन दो जाओ। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा भगत है बिल्कुल खाली, जेब है उसकी दोनों खाली। जय काली कलकत्ते वाली। विजय, और विजय का ही पता लेता चलो, जुगाड़ बन सके। अरे तुम कम घुमा करो, बैठ जाओ। जय गणेश कटुकलेश, जय गणेश कटुकलेश, जय गणेश कटुकलेश। पंडित जी, नमस्ते। राम राम। पंडित जी, राम राम बेटा, राम राम। कोई कुर्सी ले आओ। कोई बात ना, अब मैं ले लूँगा कुर्सी तो। बेटा अब बड़ा हैरान हूँ, बड़ा अलाकरण हो गया। किसी की मिली भगत है, जरूर कोई ना कोई बात पावेगी। और मैं तो पहले ही कहूं था, उस ऊपर वाले का बड़ा आसान है। अबे ते जान बच गई है। बस पंडित जी, दुआ है आपकी। अबे ते खोटी की रहती टल गई, और जो कुछ रह रही उसे भी टाल दूंगा, और यही तो काम है मेरा। बहू चांद का टुकड़ा, देवी का रूप है देवी का, अब भले घर की लगे। पंडित जी, ग्रह और कब तक के हैं? बेटे राहु और केतु अब पांचवे घर में पलोथी मारू बैठे, और मैं बाहर काट दूंगा, और यू ही तो काम है मेरा। अब बहू, इसकी जन्म पत्री भी मैं नहीं बनाई थी, और मैंने साफ लिख दिया था अब बड़ा अफसर बनेगा, और बनिया। और बहू किसी बड़े घर से आवेगी अत आई, और फिर सारा काम पहले से सही कर दूंगा, बढ़िया बना दूंगा, और यू ही काम तो है मेरा। तो पंडित जी कर दो, हम तुम्हारा बहुत एहसान मानेंगे। और बेटे इसमें एहसान की कोई बात ना है, और 1100 रुपए का तग बनेगा तेरा और बहू का भी। और सुन, उस बावड़े भूत को पता ना चल जा, शंकर को। और बेटे छोटी मोटी की रहना थी, और राहु और केतु अब पांचवे घर में अब पलोथी मारू बच्चे। और शनि की दृष्टि पड़ने थे पहले, अपना काम करवा लो, और यू ही तो काम है मेरा। तबीयत ठीक है? ठीक है चाची। नमस्ते। चाची नमस्ते। नमस्ते। और बहू ठीक ठाक है? हाँ जी। और विजय तू भी ठीक ठाक है? बस चाची जी आशीर्वाद है आपका। चाची जी चाय। बस चाय खिंड जागी। तब मैंने पता इसकी करतूत का, इसके बड़ी लिहाज है। एक दिन तो तेरे चाचा की कोली भरवा आवे थी, और एक दिन एक बाबा का हाथ पकड़ो खड़ी थी गली में। चाची जी ऐसी तो नहीं लगती। तब मैंने पता इसका, थारा गया तो राज्य रह जागी और पीछे खूब बुराई करे। और एक दिन तो गली में यूं कह रही थी कि पता ना हमारे कदलों फांसी लगी रहोगी। हाँ, सोचती तो जरूर होगी। मन्ने तो एक दिन खूब धमकाई कि ऐसा है कि इनका ना है कुछ, सारा धन तो जाई चाह, और मैं तो थारे मारे आ जाऊं।
ना मैं नाती हूँ। अच्छा चाची जी। और भाई तजे भी कहूँ विजय, तू अपना काम धंधा कहीं बाहर ही देख लिया, नहीं तो यह बहू ऐसी है कि तेरे भी लांछन लगा देगी। ठीक है चाची जी। और तुम नुई मानो इसे यही रख रहे, अस्सी को तो मैं एक दिन न रहने दूं। और इसका तो सारे गांव में जिक्र है, और तुम्हें मैं समझा रही कि इससे थोड़ा बगल ही रही हो। दीदी चाय ले आओ। ले आओ। हे भगवान, मेरा तो बस यही सपना था। गौरी मैं समझी नहीं। दीदी मैंने ये व्रत इसलिए रखे थे ताकि आप दोनों जल्दी से ठीक हो जाएं और पहले की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। ओ शंकर, अरे विजय कोई ऐसा है कि ना घर पे? सजी राम राम, आ जाओ। राम राम भाई, राम राम। और कैसी तबीयत है विजय? बस ही ठीक हूँ अब तो। भाई एक बात समझ में नहीं आई, ये दोनों हैं बहुत बेपरवाह। मैं जब भी आऊं कोई सा दिखाई नहीं देता, पता नहीं कहाँ बड़े रहे। तुझे कोई तकलीफ तो नहीं? हाँ चाचा जी अब तो ठीक हूँ। अरे भगवान ने चाहा तो ठीक ही रहेगा, बहुत दुख भोग गए हैं तने। पर बेटे अब आगे की सोच ले। हाँ चाचा जी अब तो सोचना पड़ेगा आगे का। भाई हम तो पहले तो ही कह रहे थे कि शंकर धोरे तेरी पार ना पड़े। ना ना सब ठीक कर रहे हैं। ठीक तो कर रहे होंगे, पर देखे तू शर्माइए ना, हम तो तेरी बहुत मेल करें। और फिर पढ़ा लिखा वैसे तू, तेरे 70 घाक और ना तो अपना कोई काम कर लिए, और जो कुछ मदद मारे तो बन पड़ेगी हम करेंगे। ठीक कह रहे चाचा जी तुम। अरे हम तो ठीक ही कहेंगे, और मेरी मान ना तो बाहर की सोचिए, कभी यहाँ खेती बाड़ी में बढ़ जा, यहाँ तो तू हमें ही देख ले। नहीं नहीं थोड़ा ठीक हो जाऊं फिर सोचेंगे। सोच ही लिए फायदे में रह जाएगा, ना तो ये ना छोड़ दे तेरे तरह कुछ भी। आज वह शंकर की बहू भी ना दिखती, वो सब लोग खेत गए हैं। हाँ यह भी ऐसी है, मिट्टी बिजली है बिल्कुल। क्या कह रहे हो चाचा जी? कुछ ना कह रहे बेटे, एक दिन गाड़ में खड़ी कह रही थी अक नौकरी की नौकरी करते रहे, अरे चोरी करके हमारी छाती बांध बैठे। बता हम इनका इलाज करवावे कि इनका जुर्माना भरे? क्या कह रहे हो चाचा जी? मैं तो न्यू कह रहा, बच लिए फायदे में रह जाएगा, और चिंता बिल्कुल न मानिए, तेरा चाचा पहले से ही तेरी गैल है। हाँ, और चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अरे सारे काम कर दू, अरे यही काम तो है मेरा। काम बता। 4 साल हो गए बहू को बाड़क ना हो रहे। अच्छा अब बाड़क तो मैं कर दूंगा। अब मैं यही तो काम करूँ, और मड़कू की बहू का पता नहीं तुझे? मैं नहीं तो करा। तो मैं बुलाऊं बहू को? गाड़ में ही करवावेगी क्या? मंदिर में भेज दिया और ना धोके आ जाएगी। तो मैं नौका हूँ, मैं बुलाऊं बहू को? नहीं है। ये काम ऐसे हो के और लपड़ दे के हो, और लपड़ के मैं ही करूँगा। तुम क्या कह रहे हो पंडित जी? और सही तो कह रहा हूँ, और मैं जो कुछ गंडा तबीज दूंगा मंदिर में जो दूंगा अब भेज दिए। अच्छा एक बात बताऊ, अब घना लोभ लालच ना करिए, लोभ लालच बता भुल्लड़ की बहू को देख ले, नुई में ठीक बोलो। जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश। पंडित बहुत बढ़िया है, सबके काम कर दे। तू फिर भी गया था क्या उनका पता सा लेन? हाँ गया, क्यों नहीं गया? मैं तो आज इस बात की मारी था, कभी नहीं गया। ठीक करा, यू काम होगा। अच्छा ये बता कुछ कह रहे थे के? भला कैसी बावड़ी बात कर, मेरे सामने की कहते वे? मैं भी कसर ना छोड़ खाई करिया ही मैं भी। आग तो मैं भी पूरी लगाया। माँ भूख लग रही, रोटी दे दे। दो घड़ी बतलान भी ना देते, जा खा ले रोटी खा के। पर ये तो बता तू उनके कह के की आई? मैं तो विजय और उसकी बहू को पढ़ा आई, और आज ही बो देंगे बीज। और बहू दोनों कह रही थी कि चाची बस तू ही है हमारे हक में। ये हुई बात? मैं तो कर आई, तू के करके आया? तू बावड़ी हो रही क्या? जगबीर सिंह वह चीज है जो जब चाहेगा 6 दिन में नारे पाड़ देगा, 6 दिन में।
भूल गई के भूप सिंह के भी मैंने करवाए थे नारे। अरे माँ चाय दे दे तावली, आज मारी दौड़ है। अरे ओ ड्राइवर तू जा अपने आप ही घाल के पी ले, इसका मौका ना है आज। चाय तो तू पी ले पर आज दौड़ में जीत के दिखा दिए। मैं तो यहाँ तक कह आया कि यू जो हरबीर है ना यू भी थारे खिलाफ है, और यह जो जमीन सी है या भी उस बावड़े को ही दे देगा सारी की सारी। तो मैं भी तो नुई कह गई कि तुम कमाओगे और ये बैठ के खाएंगे। विजय पे तो मेरी बातों का इतना असर हो गया न्यू कहने लगा अक चाचा जी तुम बेफिक्र रहो, बस एक बार मुझे ठीक सा हो जान दो। मैं भी बहू को बगल जगह कह आई कि इनते बच के रहियो नहीं तो सब कुछ हड़प लेंगे। चलो आज कहीं घूम के आते हैं। घूमने को क्या है यहाँ, हर तरफ कूड़ा कचरा और चारों तरफ मक्खियाँ ही मक्खियाँ हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सोच तो मैं भी यही रहा था, और चाचा भी कह रहे थे तुम्हारा रहना ठीक नहीं है यहाँ पे। चाचा जी ठीक ही कह रहे थे, और वैसे भी यहाँ मेरी सांस घुट रही है। एक चाची जी को ही छोड़ दो बाकी सब एक जैसे हैं। विजय कुछ भी करो पर यहाँ से निकलो। दीपा आप ठीक कह रही हो लेकिन इतना पैसा आएगा कहाँ से, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो जमीन है ना उसे निकाल दो, वो हमारे किस यूज की। ये जमीन मेरे अकेले की है, आधा ऐसा शंकर का है उसमें, और अगर शंकर की शादी ना होती ना तो सारी जमीन मेरी होती। खैर कुछ करता हूँ। शंकर और गौरी यही है रास्ते की रुकावट। शंकर भाई ला मैं बरसम काटता हूँ। अच्छा हम तेरे पे बरसम कटवाऊंगे, जा वहाँ छाया में बैठ। भाई एक बात बताऊँ, कंपनी से फोन आया था, दोबारा बुला रहे हैं, क्या करूँ। मुझे पहले ही पता था वे छह महीने तेरे बिना नहीं चला सकते। पर भाई पिताजी की गारंटी मांग रहे हैं वो। अरे तू गारंटी की बात कर रहा है, वे जान मांगेंगे हम जान देंगे। भाई तुझे पिताजी से है ना कागजों पे साइन करने पड़ेंगे। तू बेफिक्र होकर कागज ले आ, तू जहाँ कहेगा मैं वहाँ साइन करवा दूँ। पिताजी हाँ देखो लग गया ना लाला को पता भाई की कीमत का, यू आ गया फिर फरमान। अरे ऐसा किए फरमान आ गया, ये देखो कागज, फिर बुलाया भाई को, तनख्वाह भी दुगनी है अब के, पर तुम्हें गारंटी देनी पड़ेगी। मेरी कैसी गारंटी, जब कोई ऐसी बात हो जाए तो बाप को देनी पड़े ना गारंटी। धर्मपाल के छोरे का नाम कटा तो दीना धर्मपाल ने गारंटी, यही बात कंपनियों की है। अरे मैं जानू यू कुछ और सांग भरेगा, तू रहने दे यू हमें भी फंसवा देगा। पिताजी साइन तो तुम्हें करने पड़ेंगे, तुम कर दो। पिताजी भाई अब ठीक हो गया, यहाँ गांव में के करेगा, वहां जाएगा अपना काम करेगा, करो। और एक बात बताऊं, अगर कुछ होगा ना तो मेरे आगे आके ना रोइए। कुछ भी ना हो तुम तो नहीं करे करो। कैसे साइन? भाई को कंपनी वालों ने दोबारा उल्टा बुलाया है, पिताजी गारंटी चाहिए थी, मैंने करवा दिया साइन। आपने पिताजी को बताया ये पेपर कैसे है? इसमें बताने वाली कौन सी बात है? देखो ठीक किया आपने, कोई बात नहीं, पर आपको पिताजी को बता देना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से कभी कभी किसी के साथ धोखा भी हो जाता है। पहले इस गौरी को ही रस्ते से हटाना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, भाई पढ़ा लिखा है। चलो तो ठीक है, महादेव की कृपा से भाई साहब और दीदी अब ठीक हो गए हैं, और कल महाशिवरात्रि है, मेरा भी आखिरी व्रत है, परसों मेरे व्रतों का उद्यापन हो जाएगा। हाँ हाँ सब तैयारी तो होगी होंगी। हाँ सब हो गई है, असली कांटा तो गोरी है। ओ शंकर भगवान की जय। जोड़ बिनती करूं
मेरी अरज सुनो अंतर्यामी, मुझे अर्धांगी स्वीकार करो, अरदास सुनो जग के स्वामी। भजो और शिव के भजन संग पार्वती, शिव के भजन संग पार्वती, शिव के भजन संग पार्वती, शिव के भजन संग पार्वती। अरे रामचंद्र संग सिया भजो और शिव के भजन संग पार्वती, रामचंद्र संग सिया भजो और शिव के भजन संग पार्वती, 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 शिव के भजन संग पार्वती। हंसने लगे शंकर जोगी और हंसने लगे फिर भोलेनाथ जी, हंसने लगे फिर भोलेनाथ जी, हंसने लगे फिर भोलेनाथ जी। क्या देखा पकड़ के संग में, क्या देखा पकड़ के संग में, आगे राख मेरे पीछे खाक जी, आगे राख मेरे पीछे खाक जी। भंग गोतू मैं पीऊं धतूरा, भंग गोतू मैं पीऊं धतूरा, दे हसनी मेरी खाकम खाक जी, दे हसनी मेरी खाकम खाक जी। हेरी री गवर जा, हेरी री गवर जा, हेरी री गवर जा पार्वती री, हेरी री गवर जा, हेरी री गवर जा, हेरी री गवर जा पार्वती। कोई अच्छा कवर राजा का ढूंढ ले, अच्छा कवर राजा का ढूंढ ले, महलों में बैठी राज करे री, महलों में बैठी राज करे री। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम्ब और बगड़ बम्ब और अगर बम्ब बम बम लहरी, अगर बम्ब और बगड़ बम्ब और अगर बम्ब बम बम लहरी। इतना वचन सुना जोगी ने, कहने लगे शंकर जोगी, कहने लगे शंकर जोगी, कहने लगे शंकर जोगी। कैसे करोगी सेवा गवर जा, कैसे तुम मेरी भंग रगड़ोगी, कैसे तुम मेरी भंग रगड़ोगी, कैसे तुम मेरी भंग रगड़ोगी। हाथी चिंगाड़े शेर दहाड़े, कैसे रहोगी जंगल में, कैसे रहोगी जंगल में, कैसे रहोगी जंगल में। भूत
प्रेत और शेर वगैरह भंग डाले तेरे मंगल में, भंग डाले तेरे मंगल में, भंग डाले तेरे मंगल में। ऊंचे नीचे बिहड़ जंगल, ऊंचे नीचे बिहड़ जंगल, लहर लहर नदिया बहरी, पगड़ बम 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 लहरी। पीछे औरत की मत बुद्धि पीछे, मर्दों की हो मस्तक ऊपर, मर्दों की हो मस्तक ऊपर। बात मान लो चंद्रमुखी तुम, बात मान लो चंद्रमुखी तुम, सूरजमुखी सा ढूंढो वर, सूरजमुखी सा ढूंढो वर। करूं तपस्या जन्म जन्म तय, करूं तपस्या जन्म जन्म तय। तू ना इसको खंडित कर, तू ना इसको खंडित कर। के काटेगी इस पकड़ में, के काटेगी इस पकड़ में। ढूंढ ले कोई राजकंवर, ढूंढ ले कोई राजकंवर। पकड़ बम 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 लहरी, पकड़ बम 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 लहरी, पकड़ बम 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 लहरी। गौरी दीदी आज मैं चाय बनाती हूँ। रोज आप चाय बनाती है ना? कोई बात नहीं दीदी, आप बना लो। अरे गौरी दीदी आप जाओ और अंदर से मेरी दवा उठा लाओ। ठीक है दीदी। दीदी आपकी दवाई। ये चाय रखी है, पी लेना। जी दीदी। कागज कार्रवाई आज हो चुकी है, जमीन का कब्जा हम कर लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर। हेलो हेलो, एक बंदा यहाँ से निकल चुका है, तुरंत कैच करो।
भाई चोट तो ना लगी है तेरे, दिखाइए। शंकर भाई मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, मैंने तेरे हिस्से की जमीन बेच दी, भाई मुझे माफ कर दे। तू दुखी मत हो भाई, पैसे तो मैं तुझे और दे दूंगा, मेरे खाते में 23,700 रुपए और हैं। शंकर कैसा भैया है तू? अरे भाई तू कैसी बात कर रहा, तू जमीन की बात कर रहा, पैसे की बात कर रहा, तू अपने भाई की जान मांग के देखिए, वाह भी मिलेगी तुझे। चल तेरी जरूरत में अभी भी कोई कमी हो तो मुझे बताइए। अरे शंकर, अरे है ना के पिताजी पानी। गोरी बेटा के बात हुई, अरे है के कोई सा हराई आओ। जी पिताजी। देखे इसका क्या होगा, चक्कर सा गया इसका तो। गौरी तो क्या हुआ, डब हो गया। अरे चिड्ढा जाइए कर डॉक्टर को ले बुला के। उठो। क्या हो गया भाई? गौरी दीदी, गौरी दीदी, गौरी दीदी, गौरी बेटे क्या होगा बहू को, क्या हो गया लंबरदार, एकदम क्या हरकत। अरे चाचा कोई डॉक्टर बुलाने का भेजा है। लंबरदार पानी गिर दो उसकी नाक में दो बूंद। क्या खाया था इन्होंने? दीदी ने तो कुछ नहीं खाया, चाय पी और मुझे पिलाई। अरे कोई तो दवा दे डॉक्टर। ताऊ जी दवा दिए का कोई फायदा नहीं है, इसका दम घुट चुका है, अब अपनी तसल्ली के लिए इसे कहीं भी ले जा सकते। उठो दीदी उठो, आंखें खोलो दीदी, तुम्हें क्या हो गया दीदी, उठो उठो दीदी। हे परमात्मा ये क्या सोची, अरे देख ले डॉक्टर कुछ होता हो तो। अरे फिर बाड़ा मत हो उसका, कहके हाथ हटाए जा। इतनी बढ़िया बहू के सबको मिले हैं, या तो बस किस्मत वालों को मिले। अरे शंकर आज तू कहाँ है मेरे यार? अरे उस शंकर को भी देख लो, वो तो बावड़ा हो जाएगा सुन तू ही। भैया भाभी मर गई, उन्होंने जहर खा लिया। मेरे बिना एक टूक भी ना खावे थी, आज जहर खा लिया मेरे बिना, क्यों किया ये धोखा मेरे साथ तुमने, क्यों वादा तोड़ा तुमने मेरे से आज। क्यों तोड़ा वादा, क्यों करते हो तुम ऐसा, जो लोग तुम में विश्वास करते हैं तुम उनको धोखा दे देते हो। गौरी का तुम्हारे में कितना विश्वास था और मेरा गौरी में, क्यों करेंगे लोग तुम्हारी भक्ति, तुमने गौरी को धोखा दिया है और गौरी ने मुझे धोखा दिया है। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं गौरी के बिना नहीं रह सकता, मैं गौरी के बिना नहीं जी सकता। आज उठाया
हे महादेव, ये आपके सामने क्या हो रहा है? आप आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं? हे स्वामी, क्या आपके भक्तों का ऐसा अंत होगा? तो क्यों लोग आपको पूजेंगे, क्यों आप पर विश्वास करेंगे? मैं भस्म कर दूंगा इस उल्टा स्त्री को, मेरे क्रोध की अग्नि से जला देगी। हे महादेव, आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, पर मेरी दीदी को माफ कर दीजिए। हे पुत्री, जिस औरत ने तुम्हें जहर दिया उसी के लिए तुम प्रार्थना कर रही हो? हे प्रभु, क्योंकि मेरी दीदी के कारण ही आज आप मेरे आंगन में खड़े हैं। धन्य है आप जैसी देवियाँ जो दूसरों के पाप में भी पुण्य ढूंढती हैं। ये धरती तब तक थमी रहेगी जब तक तुम जैसी एक भी आत्मा इस पृथ्वी पर है। शंकर कहाँ है? भाभी भैया तो भीतर है। नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? अरे मैं तो बताना ही भूल गई, देखो हमारे घर भगवान शिव आए हैं। तू जिंदा हो गई, हमारे घर तो भगवान आ ही गए। मुझे माफ कर दीजिए विजय, मैंने पाप किया है, मैं पापन हूँ। ये क्या किया तुमने? नहीं, आप दीदी को नहीं मारेंगे। हाँ भैया बिल्कुल, भाभी का तो हाथ नहीं लगाओगा। पिताजी हमें माफ कर दो। भाई आज सिर्फ इनको ही नहीं हमें भी माफ कर दो। देखे शंकर और गौरी ने आज हमारी आंख खोल दी। हमने सदा इनका बुरा चाहा पर इनने हमेशा सबका भला चाहा। किसी ने ठीक ही कहा है कि कर भला हो भला और अंत भले का भला।